हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर एंड आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल। टुडे वी कंडक्ट क्लास 5th। सब्जेक्ट आपका SST है और आज हम इसके लॉन्ग आंसर्स करेंगे। जो चैप्टर आपने हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा था, द हिस्ट्री ऑफ UN, तो इसके आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला आपका है राइट 4 एम्स ऑफ द UN। तो द 4 एम्स ऑफ द UN आर 2, ये आपको इतना लिखना होगा और ये आपको मिलेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है द रूल ऑफ द UN, यानी 15 चैप्टर होगा। पर आंसर आपका ये चैप्टर दोनों सिमिलर है, ओके। ये दोनों सिमिलर चैप्टर है और ये उसी के आगे का पार्ट है, बस उसको 14 और 15 का लेसन आपका बना दिया गया है, पर चैप्टर सेम है। तो जो उसके एम्स पूछे गए हैं, एम्स ये आपके लिखे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। ये आपका आंसर नंबर 1 है, याद रखिएगा। फिर से 14 चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें 4 एम्स पूछे गए हैं, उसका आंसर 15 चैप्टर में मिलेगा। ये आपके एम्स लिखे हैं 4, चैप्टर सिमिलर है, ये उसी के आगे का पार्ट है। क्योंकि राइट द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द लेग्यू ऑफ नेशन, तो ये आंसर नंबर 2 हमें मिलेगा। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए दस से स्टार्ट करेंगे आप ये, और इसके ये 4 और 5, ये देखिए 1, 2, 4, 5, इतने पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ओके। ये हो गया आंसर नंबर 2। 3, नेम द प्रीमियर्स दैट साइन द कैरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द प्रीमियर्स दैट साइन द कैरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर, क्या है आंसर नंबर 3। ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे US से, और ये यहाँ तक होगा, US से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ तक होगा, ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। और यहाँ से लिखिएगा पूरा नेशंस आर। 4th आपका लिस्ट डाउन द टास्क ऑफ द लेगी, आंसर नंबर 4। ये आपका इधर से स्टार्ट होगा, ये देखिए जो आपको यहाँ तक आएगा, ठीक है। और ये आपको डायग्राम अपनी कॉपीज में बनाइएगा, ये आपको डायग्राम अपनी फेयर कॉपीज़ में बनाना है। सारी कॉपीज़ आपकी जो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की बनेगी, वो वन साइड प्लेन होगी और वन साइड रूल वैली होगी। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई वाज द लेग्यू ऑफ नेशन बेस्ड इन जेनीवा, ये देखिए ये यहाँ से द लेग्यू से स्टार्ट होगा, ये पूरा 42 कंट्रीज तक, ओके। ये आपको पूरा लिखना है, ये आपका आंसर नंबर 5 है। ये आपके सभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, इसे आप अपनी फेयर कॉपीज़ में करिएगा, डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करिएगा, ये आपका होमवर्क होगा, इसे आपको करना है। बाय।